हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो अब हम यहां से धारी देवी से जाएंगे चौपता के लिए, तो चलिए। तो धारी देवी से थोड़ा सा आगे हम नौगांव में रुके हैं और यहां पे थोड़ा सा नाश्ता करेंगे और उसके बाद यहां से हम आगे निकलते हैं। यह है नौगांव, एक दो दुकानें यहाँ पर हैं और ये लोग अंदर बैठे हुए हैं। रुद्रप्रयाग में और यहाँ से हम नीचे उतरेंगे क्योंकि यहाँ से बाईपास होते हुए हम शॉर्टकट निकलेंगे चौपता। यहाँ पे एक झरना है तिलवाड़ा के आगे, तो काफी शानदार झरना यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं अगस्त्य मुनि में। ये अगस्त्य मुनि का मार्केट है, आप देख सकते हैं। ये अगस्त्य मुनि, अभी हम एक जगह पे रुके हुए हैं जो चौपता से थोड़ा सा पहले है और यहाँ पे एक अच्छा सा एक झरना है, शानदार झरना आप देख सकते हैं हमारे पीछे। मेन हाईवे के आसपास एक जगह पड़ती है बेरी और यहाँ से हमने एक पतला सा रास्ता पकड़ा है जो चौपता के लिए शॉर्टकट रास्ता है। तो चलिए चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको रास्ते में जो भी नई चीजें आएंगी या जो भी यहाँ से भी अच्छा व्यू होगा मैं आपको दिखाता हूँ। चुके हैं मक्खू मठ में और यहाँ से चौपता 37 किलोमीटर के लगभग है। और ये है मुरारी, इसको गर्मी होने लग गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सामने का व्यू। ये सामने गांव आपको दिख रहा होगा, ये है ऊखी मठ और
उस तरफ जो गांव है छोटा सा वो है गुप्त काशी, ये सुमित का गांव है, सामने मेरा ये है सुमित, सुमित इधर देखना इसका गांव है गुप्त काशी। तो अचानक से जो प्लान बना था वो सुमित का ही प्लान था चौपता जाने का। तो चलिए मिलते हैं आगे, देख सकते हैं कितना खतरनाक जंगल है। ये चौपता के लिए शॉर्टकट रास्ता है, कहीं पे कच्चा कहीं पे पक्का। अभी हम पहुंच चुके हैं मखुमठ में, मखुमठ में हम लोग पहुंच चुके हैं। 100 किलोमीटर का हमारा सफर तय हो चुका है श्रीनगर से और यहाँ तक का। तो मखुमठ में एक स्नो पॉड है, आपको दिखाता हूँ एक बार, ये आप देख सकते हैं स्नो पॉड। यहाँ पे शानदार जो है पेड़ लगे हुए हैं। हल्की हल्की अब बारिश भी होने लग गई है। आगे हम गए हैं और यहाँ पे काफी शानदार एक झरना है, आप देख सकते हैं काफी अच्छी जगह है यहाँ पे। तो मजा आ रहा है, बारिश भी होने लग गई है। हम अभी हम पहुंच चुके हैं कैल में और यहाँ पर भंडारा लगा हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ से प्रसाद खाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे भंडारा लगा हुआ है, चलो बैठो मुरारी बैठ। हमर गांव बहुत दूर से पौड़ी, पौड़ी में धुआं पोटक हमर गांव। तो यहाँ पे है माँ कालिंका का मंदिर, यहीं पे जो है भंडारा आज आयोजित था जन्माष्टमी के उपलक्ष में। तो अब भंडारा हमने खा लिया है और अब हम निकलेंगे फिर से चौपता के लिए। ये जो गांव है, ये जो लोग हैं, ये है कैल गांव के, तो इन सभी का धन्यवाद क्योंकि हमें भूख भी लगी थी और खाना हमें मिल गया यहाँ पे, और भंडारा भी हमने खा लिया है, प्रसाद खा लिया है। अभी बारिश भी लग चुकी है, आप देख सकते हैं अभी भी हमें 20 किलोमीटर के लगभग जाना है। अभी हम आ चुके हैं बादलों के बीच, रुके हुए हैं कैल से थोड़ा सा आगे, तो काफी अच्छी जगह यहाँ पे है क्योंकि आज थोड़ा सा मौसम ख़राब है इसलिए वीडियो इतनी क्लियर नहीं आ रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट कैमरे से कि वे हैं, ये जगह है छोटी सी, यहाँ पे एक होटल है और आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू यहाँ से है। हम इतनी ऊंचाई पर आ गए हैं कि यहाँ पर बादल ऐसे लग रहा है कि टच कर रहे होंगे। आप देख सकते हैं कितनी पीसफुल ये जगह है, एकदम शांति यहाँ पर है काफी। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी ऊपर है। ये जगह है चली खोड़ और यहाँ पर एक छोटा सा होटल है जिसका नाम है सैनिक रिजोर्ट चड़ी खोड़ चौपता तुंगनाथ। तो अब यहाँ से हम आगे निकलने लगे हैं।
रास्ते में जाते समय एक विलुप्त प्राय प्राणी गिद्ध यानी जिसको हम गढ़वाली में गरुड़ भी कहते हैं वो दिखा। ये देखिए आप कितना शानदार नजारा है। अभी हमारे पास टाइम कम है इसलिए हम रुक नहीं सकते हैं यहाँ पे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं चोपता में। आप देख सकते हैं कितनी तेज बारिश यहाँ पर हो रही है, बहुत जोरदार बारिश हो रही है और पूरे भीग चुके हैं हम लोग। और अभी हमें एक होटल में ये भाई साहब चाय बनवाई हमने भाई साहब से। भाई साहब आपका नाम? भूपेंद्र नेगी जी। तो ये नेगी जी का होटल है आप देख सकते हैं। और इधर पूरा भीग चुके हैं तो सूरज अपने आप को सेक रहा है थोड़ा सा। आप देख सकते हैं पूरा भीग चुके हैं हम लोग। बंडी भीग गई है, उसकी टी शर्ट भीग गई है और बाहर भी आप देख सकते हैं। चोपता फाइनली हम पहुंच चुके हैं और चोपता पहुंचते ही बारिश शुरू हो गई। और ये देखिए चोपता का नजारा। गला भी थोड़ा सा खराब हो गया है बारिश की वजह से, ठंड लग गई है। और आप देख सकते हैं कैसा यहाँ पे मौसम हो रहा है, तो कितना मजा आ रहा है यहाँ पे। और ये नीचे देखिए आप क्या शानदार व्यू यहाँ का है। काफी ऊंची ऊंची चोटियां यहाँ पर। एक अच्छी सी जगह मुझे दिखी है तो मैं वहां पे थोड़ा सा जाता हूँ और वहां से आगे का व्यू वहां से लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ से क्या शानदार नजारा है। नीचे यहाँ पे घर बने हुए हैं, इनको क्या बोलते हैं ये मेरे को पता नहीं है लेकिन काफी अच्छे लग रहे हैं। तो अब थोड़ी सी बारिश कम हुई है और ठंड से जो है अभी मैं कांप रहा हूँ यहाँ पे। तो ये आ रखे हैं मणिपुर से। व्हाट इज योर नेम मैम? है नेमपी। तो ये बिलोंग करते हैं मणिपुर से। मुरारी की रिक्वेस्ट पे एक पिक इन्होंने हमारे साथ ली क्योंकि इंग्लिश हम इतनी अच्छी बोल नहीं पाते हैं, तो मुरारी ने इनसे रिक्वेस्ट की और इन्होंने हमारे साथ एक पिक ली। ये आई हुई है दिल्ली से। काफी घना जंगल ऊपर है और ये है चोपता का छोटा सा मार्केट। तो काफी ऊंचाई पर ये जगह है और यहाँ पे हवा के साथ साथ हल्की हल्की बूंदे भी बारिश की लगातार पड़ रही हैं। इसके बाद हम जाएंगे आगे मेन मार्केट में। ये भाई साहब आ रखे हैं मुंबई से और केदारनाथ होते हुए चोपता पहुंचे हैं। तो अभी जाते टाइम भी बारिश आ सकती है इसलिए हम एक एक बरसाती यहाँ से लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा है और हालत खराब हो रखी एकदम। तो सूरज कैसे लग रहा है आपको चोपता पहुंचकर? बहुत ठंड लग रही है। बारिश में भीग चुके, एक बार हम गिर भी गए थे। तो काफी सुहाना मौसम यहाँ पर, झमाझम बारिश भी हो रही है। होंठ अभी भी हमारे कांपते हुए ठंड के मारे, ऐसा लग रहा है कि
सर्दियों के टाइम पर हम यहाँ पे आए होंगे और क्या बताएं अब आपको, हमारी वेशभूषा देखिए निक्कर। लेकिन जो भी है काफी मजा आ रहा है। तो आगे पहुंच चुके हैं हम, यहीं पे कहीं पे दुकान है बरसाती की। तो यहाँ पे देखिए आप कितनी भीड़ हो रखी है गाड़ियों की। तो ये है चोपता का छोटा सा मार्केट और यहाँ पे आप सामने ये गेट देख रहे होंगे, यहाँ से तुंगनाथ मंदिर लगभग 4 किलोमीटर है। तो हल्की हल्की बारिश फिर से शुरू हो गई है, तो यहाँ से आप जा सकते हैं तुंगनाथ मात्र 4 किलोमीटर यहाँ से दूर। क्योंकि हम लोग काफी लेट यानी 4:30 से 5 बजे के लगभग यहाँ पर पहुंचे थे, इसलिए हम आज तुंगनाथ मंदिर नहीं जा पाएंगे। बरसाती हमने नहीं ली और इन लोगों ने हमें बरसाती दान की है, तो इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमने अभी काफी दूर जाना है। थैंक यू, लोगों ने बरसाती इन लोगों ने हमें दे दी थी, तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं सारे के सारे। पता नहीं कैमरे में क्या दिक्कत हो गई है, पूरा ब्लर आ रहा है पीछे का। चौपता से वापसी के लिए हम निकल गए हैं धीरे धीरे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मक्कू चौपता से वापस आ चुके हैं और यहां पे हमें मिले हैं हमारे सीनियर भाई साहब। तो यहां पे हमें हमारे सीनियर मिले हैं, आपका नाम क्या है भाई साहब? उपेंद्र नेगी, ये हमारे सीनियर थे डीएलएड में, तो इनको बहुत बहुत बधाई जॉब लगने की सबसे पहले। तो और हमारे मार्गदर्शक भी हैं, ये चंपावत के, मैं हूँ धुमाकोट पौड़ी। तो ये सुमित के गांव के हैं, गुप्त कादिया नाला गांव के। तो इनसे हम थोड़ा बहुत अभी जानकारी लेंगे डीएलएड। अभी भी बारिश लगातार हो रही है। अभी हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग में और यहाँ नीचे है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम। अब देख सकते हैं ये रात का व्यू रुद्रप्रयाग का। अभी रात के बज रहे हैं 10 और मैं पहुंच चुका हूँ अपने रूम पे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।